कैसे घूर रहा है एकदम से, उधर पापा को जाओ घूरो जनाब, पापा को, देखो चने आ गए, कुछ लोग अकेले अकेले चने खा रहे हैं। कोई खाए। सुबह से काम कर करके हम थक गए हैं और अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक और जा रहे हैं चाय मैगी खाने। मैगी खाने इसमें हुई और आदि सबसे आगे है, अभी सबसे फास्ट आदि होता है जब मैगी वैगी की बात हो। ये कितनी बढ़िया सी ड्राइव है, हम छोटी सी ड्राइव एक मजा आया था। जाते हैं चाय ऑन द वे, ऑन द वे चाय पीते टू हैं, चाय मैगी, टू चाय मैगी, मैगी खा के आते हैं। सुबह से हमने मैगी नहीं खाई अरे दिन आते हुए बोलना भूल गए हम एक्सटेंड कराने का। अरे हाँ यार करना है अभी, चलो बात याद करें, याद रखना आदि। और ये हमारा ब्रेक चल रहा है, हम यहाँ पे आए हैं मैगी चाय खाने। ऑफिस में जाते नहीं ऐसे चाय ब्रेक, हाँ वैसा ही हो रहा है हमारे यहाँ मैगी ब्रेक हो रहा है। तो अब बहुत जो ज्यादा है ठंडा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है ना बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, कि प्लेन्स के लोगों को बहुत अजीब लगेगा बेचारी बेचारे गर्मी लोग में जो रहे, गर्मी में रह रहे हैं वहाँ पे। हमें वही जाना है चार ठंड, पांच अरे यार बार चलो अभी तो ऐश कर लेते हैं। नीचे का व्यू देखें यहाँ से, देखो कितना ऊपर है हम लोग। हमने अपनी टेबल अच्छी खासी बाहर लगाई हुई थी और अब हो गई है बारिश तो हम अंदर बैठे हैं। कैसे घूर रहा है एकदम से, उधर घूर पापा को जाओ घूरो जनाब, पापा को, देखो चने आ गए, कुछ लोग अकेले अकेले चने खा रहे हैं। कोई खाई नहीं ना मेरे साथ टेस्टी क्या करो, आदि देखने तो दो, मेरे को तो इतने टेस्टी लगते हैं चने, देखो ये। मैंने कहा मैं ये देखो कितने मजे से खा रहा है। आ हा हा क्या फ्लेवर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इज इंजॉइंग इट चना चना मैन चना मैन ना मेहन, सबका मेहन ही कर दो। बन गई हमारी मैगी। हेलो आदि आपकी मैगी, थैंक यू। मैं कहाँ रखूँ, ये हम लोग मैगी खा के आ गए हैं और हमारे रूम में जो है ताला लगा हुआ है, क्योंकि अरविंद जी चाबी गाड़ी में ही भूल आए हैं, तो वापस जाके चाबी लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। बारिश नहीं हो रही, हाँ इंतजार खत्म। और यहाँ जो ठंडी हवा चल रही है ना, बाहर बैठने का जो मजा है वो अंदर कहाँ है, बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग। हाँ बस हो गया, अपनी गलती को छुपा लो कुछ भी बोल के। अरे लग चुका है हमारा डिनर, बढ़िया सा रोटी, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई और पनीर कोई नहीं और आया जो सब अरबी की रूम में सब्जी, ऑर्डर कर रहे हैं, और कढ़ाई पनीर जैसे दिख नहीं रही है बट टेस्टी है, बट टेस्टी है। अरबी भी कुछ अलग लग रही है बट टेस्टी होगी, अच्छी अरबी भी है, रोटी दोनों है। टेस्टी। इतना मज़ा आ रहा है ना हम लोगों को पहाड़ों में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब ये ट्रिप हमें ख़त्म ही नहीं करना है, हम और एक दो महीने का अपना छुट्टियाँ वुट्टियाँ एक्सटेंड करके या यहीं से काम कर लेते हैं और यहीं पे रह लेते हैं। सो आई विश ऐसा हम कर सकते, बट हमारी हमारी जो लाइफ है या जो हमारी जॉब है वो हमें इतना अलाउ नहीं करती है कि हम इतना लंबा और आगे रुकें, बट मज़ा आ रहा है, मतलब लंबी छुट्टियां हैं, काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है। और आज वैसे 16 जून है, हम लोग आज पहुंच गए हैं कसार देवी, वो हमारे ब्लॉग्स थोड़ा सा पीछे अभी चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारा डेटा हो जाता है, क्योंकि घूमने आए हैं तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी मैगी खाने चले गए, कभी कुछ देखने चले गए, कभी मंदिर चले गए, कभी आदि के साथ पहाड़ी चढ़ लिया, कभी काम करना है कुछ कुछ, वो सब हो रहा है, तो सारी चीज़ें चल रही है। तो इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बनाती ब्लॉग, मैं बहुत छोटा, मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक ठाक सा बनाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा अभी हमारे पीछे से चल रहे हैं ब्लॉग्स। और हमें पहाड़ों में पता नहीं समाओ, मुझे और अरविंद को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई क्या खूबसूरत है, कितना मज़ा आ रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हम पहाड़ी हैं इसलिए हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, या एक्चुअल में मतलब ये इतना खूबसूरत है, पहाड़ के व्यूज़, पहाड़ में मतलब घूमना, यहाँ के लोग, सबके साथ में हमारा बड़ा ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा ही। तो हमेशा हम एक बार जाते हैं ना तो अगली बार का फिर हम सोचते हैं, आज भी जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमारा हमारा यहीं पर यही डिस्कशन हो रहा था कि हम नेक्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे सर्दियों में आएंगे, तो अरविंद बोलते हैं सर्दियों में आएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक तो मतलब अच्छा सा ये रिजॉर्ट है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, और यहाँ पर ठंडा भी काफ़ी होता है, बट ठंडे के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि वैसे भी पहाड़ों में यही होता है कि दिन में धूप आ जाती है सर्दियों के टाइम पर, तो अभी हम यहाँ से गए नहीं हैं, हमारे यहाँ आने की वापस से प्लानिंग हो गई है, तो इस लेवल तक हम लोगों को पहाड़ों का क्रेज़ है। और तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, और आई एम श्योर जो नेचर लवर है उनको तो बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मेरे कुछ भी फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं या कलीग हैं
जिन लोगों से बात होती है तो वो लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं कि यार तुम्हारा बड़ा सही है, तुम लोग कभी भी अपना वहाँ जा सकते हो और बहुत ही एकदम अनएक्सप्लोर्ड एरियाज पर जाते हो जो हम लोग नहीं जा सकते। तो कमेंट करके बताना आप लोग कि कैसा लग रहा है और कितना मतलब व्यूज़ और ये सारी चीज़ें आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हो। तो अब इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, कल फिर हमारी थोड़ी पीछे से चल रही हैं चीज़ें, तो कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ फिर आप लोगों का हम वेलकम करते हैं। तो हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।